एबीबी लाइव पर मैं आबिर आपके साथ हूँ एंड जयपुर लिटरेचर फेस्ट में आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद वेरी पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर शेखर रफजानी. व्हाट्स अप, हाउ आर यू? गुड, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, शुक्रिया. कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक जयपुर लिटरेचर फेस्ट में आने का? बहुत बढ़िया, मजा आता है यहाँ तो. आप कौन से सेशंस को अटेंड करने के लिए अटेंड करने में एक्साइटेड हो? एक्चुअली मैं कल शाम को आया, आज सुबह मेरी अयान और अम्बी सुब्रमण्यम के साथ हम वार्तालाप कर रहे थे रागों के बारे में आज सुबह, और बहुत सारी ऑडियंस थी, बहुत अच्छी ऑडियंस थी और मज़ा आया. और आई थिंक यहाँ का एक यहाँ की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आप जब इस जगह आते हो तब आपको अलग अलग फील्ड से और अलग अलग जो राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, क्यूरेटर्स हैं, कंपोजर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, सब मिलते हैं. And there's so much of beautiful exchange of things, you know, exchange of energies which happens in this place. So, बहुत मजा आता है. Since you said कि रागों की बात हो रही थी, मैं राग पे आना चाहूँगा. आप एक क्लासिकली ट्रेन सिंगर हैं, क्या इतने बिजी स्केड्यूल के बाद, इतने बड़े आप म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, उसके बाद भी रियाज करने का टाइम मिलता है कि? कभी कभी मिलता है, और रियाज मेरे लिए करना जरूरी है वैसा नहीं है, करता हूँ क्योंकि मेरे लिए एक मेडिटेशन हो गया है, मेरे लिए एक योग जिससे मैं ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ. और सुबह सुबह जब रियाज करता हूँ, जब एक खर्च का रियाज होता है सुबह सुबह, तो जब आप साह लगाते हो या जब आप आग बंद करके सुर लगाते हो, तब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो दुनिया से. तो उसे आप रियाज कहो या उसे आप मेडिटेशन कहो, वो करता हूँ मैं. सर, क्या शेखर रफजानी एक बॉलीवुड कंपोजर है या एक मेनस्ट्रीम कंपोजर है, या मैं उस शेखर रफजानी को भी जानता हूँ जिन्होंने गजलें गाई हैं, जिन्होंने हनुमान चालीसा गाई हैं, एंड मेरा फेवरेट विच इज अ तेलुगु सॉन्ग कॉल्ड बटरफ्लाई, जो आपने शायद चिन्मय श्रीपदा के साथ गाया है, जो कि शायद बहुत कम लोगों को इस गाने के बारे में पता होगा. बिकॉज़ आश्चर्यचकित होंगे आपको ये गाने के बारे में. हाँ, मतलब मुझे वो लैंग्वेज कुछ नहीं समझ में आती, आई विल बी रियली ऑनेस्ट, बट इट्स द सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल चिन्मय एंड आपकी आवाज में. हाउ डू यू रिलेट, आप कौन से शेखर? मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ. मैं अलग अलग चित्र बनाता हूँ और खुद आनंद महसूस करता हूँ, और जब वो आनंद लोगों तक पहुँचता है तो आपके जैसे चहेते हमारे जितने भी सुनकार जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. एज अ म्यूजिशियन वी नीड द राइट ईयर्स, सही कान होना बहुत ज़रूरी है. और जब आप बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं तो बहुत कम लोगों ने वो गाना सुना है, लेकिन वो एक अलग सी ट्रिप थी मेरी. वो बना दिया मैंने गाना, उसके बाद रंग, हाल ही में रंग गाना मैंने रिलीज़ किया, वो मेरा फर्स्ट नॉन फिल्म हिंदी पॉप सॉन्ग जो मैंने रिलीज़ किया, वो बहुत बहुत प्यार मिला उसे वो गाने को, और मिल रहा है. बॉलीवुड म्यूज़िक में बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आप डांस म्यूज़िक भी बनाते हो और आप वो भी क्रिएट करते हो, आप स्पिरिचुअली आप हनुमान चालीसा भी मैंने बनाई है जो लोगों को बहुत पसंद है. और आई थिंक इन द लास्ट 25-30 ईयर्स अगर मैं अपने आप को कुछ नाम देता हूँ तो सिर्फ मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं एक संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, और आई हैव बीन ब्लेस्ड विद म्यूजिक इज ऑल आई कैन से. अभी आपने स्टूडेंट बोला तो उससे मुझे याद आया, हम 3-4 दिन पहले आए हैं जयपुर लिटरेचर फेस्ट कवर करने, मैं और मेरी प्रोड्यूसर दिल्ली से ड्राइव करके आए हैं. तो ऑब्वियसली गाने तो चलेंगे, गाने स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट में चलते चलते एक विशाल शेखर का गाना आया जी, एंड दोनों ने कोइंसिडेंटली एक ही चीज बोली कि यार एक टाइम था हम सिर्फ इसी पे ही पूरे दिन नाचते थे, एंड देन हम लोग ने वही 2-3 घंटे की जो प्लेलिस्ट लगाई. हाउ डज इट फील टू गेट सो मच लव फ्रॉम पीपल एंड बोथ यू गाइस, लाइक आप और विशाल दोनों अपने अलग अलग गिग्स भी कर रहे हैं, एंड एज अ कॉम्बो भी आप दोनों बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, हाउ डज दैट केमिस्ट्री वर्क? आई थिंक अच्छा तो महसूस होता ही है जब आपको कमाल का रिएक्शन, लोगों की प्लेलिस्ट पे इतने साल से रहना भी बहुत बड़ी बात है. आजकल लोग बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, और सही है, करेक्ट है कि सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन बीइंग ऑन समवन्स प्लेलिस्ट फॉर ओवर 20-25 इयर्स, जंकार वीट्स से लेके प्यार में कभी कभी मुसु मुसु आ से दिल से मेरे दूर ना जाना, वॉर तक, घुंघरू टूट गए तक, इतना प्यार मिलना, और वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू आवर ऑडियंस फॉर दैट. लेकिन एट द सेम टाइम आई पर्सनली फील के जो खुद की
पहचान है और जो खुद का संगीत है और जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक के द्वारा हम इंडिविजुअली दे पा रहे हैं उसे भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है. सो इट्स ग्रेट टू काइंड ऑफ डू फिल्म वर्क एंड एट द सेम टाइम डू इंडिपेंडेंट वर्क ऑल्सो. अगर आप जैसे अभी होटल के कमरे में जाओगे या कभी घर में ऐसी लेजी संडे में उठ रहे हो, आप कौन से गाने सुनते हो? मतलब इन जनरल कौन से में, या आजकल व्हाट आर यू लिसनिंग टू, व्हाट आर यू लूपिंग? मैं एक्चुअली स्कॉट सुन रहा हूँ आजकल. okay. जेम्स न्यूटन हार्वर्ड का मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ. okay. के पीसेस सुन रहा हूँ. okay. कभी कभी ठुमरिया सुनता हूँ, कभी कभी सलाम अली खान सुनता हूँ, कभी कभी जगजीत सिंह साहब को तो सुनते रहता हूँ मैं. उनका उनका कोई फेवरेट गजल जो आपको मतलब बहुत जहन के बहुत बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी. और आई थिंक हर संगीत, हर किस्म का संगीत लोग जनरली एक छाप लगा देते हैं आप पे कि आप अगर एक किस्म का संगीत सुनते हो तो आपका जोन वही है. मैं डांस म्यूजिक भी सुनता हूँ, मैं EDM भी सुनता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी सुनता हूँ. जो लोग गाने सुन के पार्टी करते हैं वो भी गाने मैं सुनता हूँ. मैं भी खुद वो गाने में बनाता भी और वो खुद वो मैं पार्टी करता भी हूँ. तो ऐसा नहीं है कि जो गजल सुनता है वो पार्टी नहीं करता है, और ऐसा नहीं है कि जो गजलें बनाता है या स्लो गाने बनाता है वो डांस गाने नहीं बना सकता. तो आई थिंक एज ए कंपोजर एक ये फायदा होता है कि आपने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया और आप कर रहे हो तो उसका एक मजा, उसका लुत्फ अलग है. अभी रिसेंटली इंडियन म्यूजिक सीन को एक बहुत बड़ा झटका मिला जब लता मंगेशकर जी का निधन हुआ. आपका उनसे क्या कैसा रिलेशन रहा है, कैसा है? ना, आई मिस्ड मीटिंग हर. मैं कुछ भी करता उनको मिलने के लिए, लेकिन आई थिंक वक्त ऐसा था कि मिलना हुआ ही नहीं. लेकिन वो सबके दिलों में है और वो लता जी कहीं गई नहीं है, वो हमारे साथ ही है और साथ ही रहेगी हर म्यूजिशियन के साथ, हर सुनने वाले के साथ, हर ये देश में जितने भी लोग हैं उनकी धड़कन में लता जी हमेशा बनी रहेगी. आपका कोई फेवरेट लता मंगेशकर गाना जो आप दो लाइनें गाना चाहें? लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो. लग जा गले. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. आप इस गाने का जरूर कवर कभी जिंदगी में बनाइएगा, बिकॉज ये सुनने का मेरा बहुत अच्छा मन करेगा. एंड इसको अपने किसी गाने के साथ मेडले कॉम्पोजिशन करेगा. सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके नेटवर्क के द्वारा कि जो चीजें बन गई है उसे छूना नहीं चाहिए. बिल्कुल सही. जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, उसे रिक्रिएट ना करें. जितने भी हमारे सिंगर्स भाई बहन, जितने भी दोस्त, जितने भी कंपोजर्स प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स, जो बन गया उसे रहने दीजिए. बन गया जो बन गया उसे बने ही रहने देना चाहिए. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एबीपी लाइव से बात करने के लिए. लास्ट सवाल बस एक आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कब हम विशाल शेखर की जोड़ी को बॉलीवुड में नए प्रोजेक्ट्स के साथ देखते हैं? तो एज शेखर मैंने जो नॉन फिल्म हिंदी फिल्म का की एक यात्रा शुरू की है, उसमें रंग पहला गाना रिलीज हुआ 3 महीने पहले. अब 3 गाने और रिलीज होंगे इस साल विद द नेम शेखर, SHEYKHAR. विशाल और मैं साथ में 4-5 फिल्में कर रहे हैं, उसमें जो मुझे परमिशन है बोलने के लिए वो मैं बोलूँगा. एक है जयेश भाई जोरदार, रणवीर सिंह, यशराज फिल्म्स. दूसरी है पठान, शाहरुख खान साहब, यशराज फिल्म्स. तीसरी है फाइटर, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ आनंद. चौथी है विक्रम वेदा, सैफ, ऋतिक. और एक ब्रॉडवे म्यूजिकल हम कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा साहब. क्या बात है, ब्रॉडवे म्यूजिकल भी देखने मिलेगा, क्या बात है. थैंक यू वेरी मच एबीपी लाइव से बात करने के लिए. थैंक यू वेरी मच.